गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 8 इनपुट टैक्स क्रेडिट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, यू पीपल आर अवेयर। तो उसी तरह इनपुट टैक्स क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएसटी। रिमेंबर, इनपुट टैक्स क्रेडिट सीमलेस अवेलेबिलिटी, मेक श्योर नो कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? नो टैक्स ऑन टैक्स। So what we are going to revise in this chapter, section 16, eligibility and conditions for taking ITC. Along with section 16, we are going to cover rule 36, rule 37. Then section 17, apportionment of credit and blocked credit. Uske saath mein rule 38, rule 42, 43 and rule 88A. Phir section 18, availability of credit in special circumstances. उसके साथ में रूल 40, 41, 41A, 44। फिर सेक्शन 19 विच इज रिलेटेड टू जॉब वर्क, टेकिंग आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क, अलोंग विद दैट रूल 45। सेक्शन 20 मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय आईएसडी। सेक्शन 21 मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस, अलोंग विद दिस टू सेक्शंस रूल 39 प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी बाई आईएसटी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर 8 इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये चार्ट है, ठीक है, जो आप क्विक रिवीजन के लिए रेफर कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ये चार्ट रेफर नहीं करवाता रिवीजन वीडियो के अंदर, बिकॉज आई वुड लाइक टू गो फॉर डिटेल। तो चलिए सेक्शन 16 के साथ स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। सो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, हु इज एलिजिबल? रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, इफ गुड्स और सर्विसेज आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, और जो उसने जीएसटी का पेमेंट किया है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट हो गया। तो रजिस्टर पर्सन, गुड्स और सर्विसेज और आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। रिमेंबर, मैंने चैप्टर 2 में आपको एक लॉजिक दिया था। क्या लॉजिक दिया था? अगर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, देन यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ यू हैव आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, देन यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये आपको याद रखना है, ये चैप्टर काफी इजी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, रजिस्टर पर्सन, गुड्स और सर्विसेज आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, देन ही कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि अगर बिजनेस के लिए यूज किया है तब वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करेगा, इसलिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। हम लोग पर्सनल यूज के लिए, मान लीजिए कोई मेडिसिन लेते हैं या और कुछ आइटम खरीदते हैं, तो वो हम लोग पर्सनल कंज्यूम कर लेते हैं, करेक्ट, तो इसलिए उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा मिल जाता है। क्योंकि आईटीसी क्या है? पास थ्रू। आईटीसी एंश्योर पास थ्रू, एंड अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू बेयर द टैक्स? कंज्यूमर एंड कस्टमर, ठीक है। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, रजिस्टर पर्सन, गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड अमाउंट इज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, पुट सम कंडीशन। केवल गुड्स या सर्विसेज या दोनों को आपने अगर बिजनेस के लिए यूज किया और आप रजिस्टर पर्सन और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर अमाउंट क्रेडिट हो गया, यू बिकम एलिजिबल? नो, यू नीड टू सेटिस्फाई फ्यू कंडीशंस। क्या है वो? द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट बी इन पोजिशन ऑफ ए टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज में बी प्रेस्क्राइब। अब ये प्रेस्क्राइब कहाँ किया गया? रूल 36 सब रूल 1 के अंदर। तो रूल 36 सब रूल 1 के हिसाब से किसके बेसिस पे आप आईटीसी ले सकते हो? एन इनवॉइस फॉर रिवर्स चार्ज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स, जहाँ रेसिपियंट रिवर्स चार्ज के लिए लायबल है, मतलब ही नीड टू पे द रिवर्स चार्ज। सो ऑब्वियसली आफ्टर पेइंग द टैक्स ओनली ही इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ए डेबिट नोट, ए बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री कब होगा? जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको मालूम है गुड्स के ऊपर जो IGST एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज गोइंग टू बी लेविड अंडर कस्टम एक्ट
तो जो जो आप IGST का पेमेंट करोगे इम्पोर्ट के समय, यू कैन अवेल इनपुट टैक्स केट ऑन दैट एंड IHD इनवॉइस और IHD केट नोट। अब ये क्वेश्चन आता है सर केट नोट क्यों? IHD इनवॉइस के थ्रू क्या करता है वो? इनपुट टैक्स केट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो केट नोट के थ्रू भी आप क्या करते हो, किसी को केट देते हो, इसलिए अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। IHD के मामले में वो इनवॉइस इश्यू करके किसी को इनपुट टैक्स केट का केट दे रहा है, उसी तरह वो केट नोट भी इश्यू करेगा तो वो केट देने के लिए इशू करेगा। इसलिए यहाँ रूल 36 सब रूल 1 के अंदर केट नोट वर्ड यूज किया गया। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए टू अवेल द इनपुट टैक्स केट। इसके अलावा रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उसको गुड्स या सर्विसेज या दोनों जिसके ऊपर वो इनपुट टैक्स केट लेना चाहता है वो मिल गए हों। अब उस मामले में क्या होगा, जैसे बिल टू शिप टू मॉडल, जब उसके इंस्ट्रक्शन पे किसी और को डिलीवर किया गया है तो ये माना जाएगा कि उसको डिलीवर किया गया, ओके। और अगर उसके बिहाफ पे किसी और को सर्विस प्रोवाइड की गई है तो भी ये माना जाएगा कि उसको सर्विसेज मिल गई है। इट मीन्स सच रजिस्टर पर्सन कैन अवेल इनपुट टैक्स केट। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, द टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को GST का पैसा मिल गया है इसलिए गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब पेमेंट होगा, मतलब सप्लायर जब GST का पेमेंट करेगा तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं, यू कैन अवेल ऑन प्रोविजनल बेसिस, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट को GST का पैसा मिल जाना चाहिए, ओके। उसके जो ट्रेजरी में है वो GST का अमाउंट डिपॉजिट हो जाना चाहिए। देन रजिस्टर्ड पर्सन हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, बेसिकली GSTR 3B, जो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए क्या है, GSTR 3B। अब इसके अंदर प्रोविजो भी है जो ये बोलता है कि अगर लॉट्स या इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको गुड्स या सर्विसेज, बेसिकली गुड्स नॉट सर्विसेज ऑब्वियसली, बिकॉज लॉट्स या इंस्टॉलमेंट के अंदर नॉर्मली गुड्स ही डिलीवर होगा, तो उस समय आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कब अवेल कर सकते हो, क्योंकि एक कंडीशन ये है कि ही हैज रिसीव द गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। सो अगर लॉट्स या इंस्टॉलमेंट के अंदर गुड्स की डिलीवरी हुई है तो फिर रजिस्टर पर्सन कब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? जब भी उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट की डिलीवरी होगी। सो इफ यू आर ऑर्डरिंग 1000 kg एंड रिमेंबर सिंगल इनवॉइस हैज बीन इशूड बाई द सप्लायर एंड डिलीवरी इज इन 500 kg 500 kg, लेट्स से इन 2 इंस्टॉलमेंट, तो जब भी रेसिपिएंट को जो लास्ट लोट 500 केजी का मिलेगा उसके बाद ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता पूरे अमाउंट का, नॉट प्रोपोर्शनेटली कि 500 किलो मिला तो 500 किलो पे ले लिया, बाद में 500 किलो पे बाद में ले लिया, प्रोपोर्शनेटली नहीं। जब उसको लास्ट लोट या इंस्टॉलमेंट मिलेगा तभी वो पूरा क्रेडिट ले सकता है। अब इसमें आपको एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, सिंगल इनवॉइस, क्योंकि अगर अलग अलग इन्वॉइस है तो अलग अलग डिलीवरी है। तो अगर मान लीजिए 1000 kg का इन्वॉइस की जगह सप्लायर बोले 500 kg का और 500 kg का वो डिलीवरी देते तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। सिंगल इन्वॉइस मल्टीपल डिलीवरी, देन ही कैन ओनली अवेल, मीन द रेसिपिएंट कैन ओनली अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हेन ही रिसीव द लास्ट लोट ऑन इंस्टॉलमेंट। इसके अलावा ये कंडीशन भी है दैट द इफ द रेसिपिएंट फेल टू मेक द पेमेंट टू द सप्लायर अगेंस्ट द इनवॉइस विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। सो रेसिपिएंट को 180 डेज के अंदर इनवॉइस का पेमेंट करना है। अब ये काफी बार क्वेश्चन आता है कि सर ये 180 डेज गवर्नमेंट ने क्यों डाला है? ये 180 डेज उन्होंने खास तौर पे जीएसटी के अंदर नया प्रोविजन रखा है सो दैट दे कैन कंट्रोल बोगस इनवॉइसेज। ये क्या होता है सर? बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई रजिस्टर पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी जो लाइबिलिटी है वो कम है, ओके, और इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा है, तो वो क्या करता है कि भाई लॉस होने की बजाय मैं क्या करूँ, मैं किसी और को पास ऑन कर दूँ, तो वो इनवॉइस कट करेगा और पास ऑन कर देगा। तो उस मामले में क्या होगा, जो सामने वाला है वो पूरा कंसिडरेशन तो पे नहीं करेगा,
वो जो इनपुट टेस्ट ग्रेड से रिलेटेड होगा उतने अमाउंट पे करेगा, करेक्ट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये इस तरह के जो बोगस ट्रांजेक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 180 डेज का ये पीरियड रखा है कि अगर रेसिपिएंट सप्लायर को 180 डेज, रिमेंबर 180 डेज हाउ यू नीड टू काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, अगर पेमेंट नहीं होता है और सप्लाई रजिस्टर पर्सन ने रेसिपिएंट ने इनपुट टेस्ट क्रेडिट ले लिया है देन ही नीड टू रिवर्स दैट अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 विच इज 18%। बट ये प्रोविजन रिवर्स चार्ज के मामले में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? बिकॉज एनी वे द रेसिपिएंट इज गोइंग टू पे द टैक्सेस, और अगर पार्शल पेमेंट हुआ है तो इस मामले में प्रपोर्शनेट अलाउ है। याद रखिए इस मामले में प्रपोर्शनेट अलाउ है, लेकिन इंस्टॉलमेंट के मामले में लॉस या इंस्टॉलमेंट के अंदर गुड्स आ रहा है तो उसमें प्रपोर्शनेट अलाउ नहीं है, लेकिन इस मामले में पार्शल पेमेंट पे प्रपोर्शनेट अलाउ है। बाद में मान लीजिए रिवर्सल कर दिया, किसी वजह से डिस्प्यूट की वजह से रेसिपिएंट पे नहीं कर रहा था, वो डिस्प्यूट रिजोल्व हुआ तो उसने बाद में एक साल बाद पेमेंट कर दिया, सो ही कैन री अवेल द इनपुट टेस्ट क्रेडिट, बट रिमेंबर इंटरेस्ट तो उसका लग गया, वो तो वापस नहीं मिलने वाला। ओके अब चलिए एक इसको समराइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, रजिस्टर्ड पर्सन ही इज एलिजिबल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कब? इफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो गया हो, ठीक है। इसके अलावा जो सेक्शन 16 ये सब सेक्शन 1 हो गया, अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या कंडीशन है भैया सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट टू क्या है? पहला पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, दूसरा डेबिट नोट हो या एनी अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट लाइक ISD इनवॉइस या फिर बिल ऑफ एंट्री। ही हैज रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और बोथ जो भी टैक्स चार्ज हुआ जिसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है उसका पेमेंट हो गया। टैक्स चार्ज पेमेंट किसके थ्रू होता है? पेमेंट नॉर्मली या तो ITC सप्लायर ITC यूज करेगा या कैश में पेमेंट करेगा। फिर रिटर्न अंडर सेक्शन 39, तो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए कौन सा रिटर्न है? GSTR 3B, ये फाइल हो गया, ठीक है। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ये आपको खास तौर पे याद रखना है। अब इसके बाद सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 वेरी सिंपल, इफ टैक्स अमाउंट इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट देन ऑब्वियसली पर्सन इज गोइंग टू क्लेम डेप्रिसिएशन बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 देन ही कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए की आपने प्लांट एंड मशीनरी ली है, 12,000 रुपये उस पर टैक्स है GST का अमाउंट, तो अगर रजिस्टर पर्सन ने 1,12,000 कैपिटलाइज कर दिया है इसका मतलब क्या करेगा वो? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट 12,000 के ऊपर नहीं मिलेगा। तो उसको कैपिटलाइज कितना करना है? 1 लाख रुपीज ही करना है, तो वो 12,000 पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। बेसिकली 1 लाख वो एसेट के अंदर कैपिटलाइज करेगा और 12,000 वो डेबिट किसको करेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो बैलेंस शीट आइटम रहेगा। ओके फिर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 मैक्सिमम टाइम लिमिट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेसिकली जो इनवॉइस या डेबिट नोट मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड है
तो उसका मैक्सिमम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रजिस्टर पर्सन अवेल कर सकता है, जो सितंबर 20 का रिटर्न होगा, बेसिकली 20th अक्टूबर 20, या फिर एनुअल रिटर्न की जो फाइलिंग डेट होगी फॉर फाइनेंशियल 19-20, जब भी वो बंदा, लास्ट डेट क्या 31 दिसंबर, लेकिन वो मान लीजिए अगस्त में फाइल कर देता 31 अगस्त को, देन दिस इज द लास्ट डेट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड टू इनवॉइस और डेबिट नोट, ओके, पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 1920। सो विच एवर इज अर्लियर, सेप्टेम्बर रिटर्न या फिर एनुअल रिटर्न की फाइलिंग की डेट एक्चुअल, विच एवर इज अर्लियर, तभी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता, उसके बाद वो टाइम बार्ड हो जाएगा, ही कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। रूल 36 सब रूल 1 वी ऑलरेडी डिस्कस, क्या टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होते हैं, इनवॉइस, इनवॉइस फॉर रिवर्स चार्ज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री एंड ISD इनवॉइस और क्रेडिट नोट। देन रूल 36 सब रूल 2 से जो ये इनवॉइस है, जैसे उसके अंदर जो स्पेसिफाई डिटेल्स होती है वो होनी चाहिए, जैसे रूल 46 बोलता है कि ये डिटेल होनी चाहिए। तो पहले तो उन्होंने शुरुआत में बोला था सब डिटेल्स होनी चाहिए, बाद में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके रिलैक्सेशन दिया कि भाई इंपॉर्टेंट डिटेल होनी चाहिए, जैसे GSTN ऑफ द सप्लायर, रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, ओके, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या टैक्स अमाउंट है। तो अगर इतना लिखा हुआ है देन पर्सन कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। रूल 36 सब रूल 3 से वेरी सिंपल, नो ITC इन केस ऑफ एनी फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट। तो किसी इनवॉइस के ऊपर आपने GST मान लीजिए चार्ज नहीं किया, बाद में जब आपको इन्वेस्टिगेशन होता है, मालूम चलता है कि भैया इसके ऊपर टैक्स पेमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑफिसर को मालूम चल गया, देन यू नॉर्मली रेज द डेबिट नोट, देन रेसिपिएंट कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दैट। फिर एक इसमें CBIC का ट्वीट है, क्योंकि RCM के मामले में हमने क्या बात की थी कि पहले टैक्स का पेमेंट होगा देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो CBIC हैज क्लेरिफाइड दैट इन द सेम मंथ यू कैन अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जुलाई के अंदर आप, जुलाई का पेमेंट आप कब करोगे, अगस्त के अंदर, तो उसी महीने की लाइबिलिटी के लिए, मतलब जुलाई के महीने की लाइबिलिटी के लिए यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ RCM, वाट एवर टैक्सेज यू पेड अंडर रिवर्स चार्ज। नाउ रूल 36 सब रूल 4, वट इज रूल 36 सब रूल 4? दिस इज बेसिकली टू रेस्ट्रिक्ट अवेलमेंट ऑफ ITC इन पर्टिकुलरली टैक्स पीरियड। ये अक्टूबर 2019 के अंदर ये उन्होंने, गवर्नमेंट ने रूल इंसर्ट किया है, इसके पहले रूल 36 सब रूल 4 नहीं था और इससे सब लोग दुखी हो चुके हैं। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि इसके पहले क्या होता था, रजिस्टर पर्सन के बुक्स ऑफ अकाउंट में मान लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस 200 रुपीज है, विच ही कैन अवेल, तो वो क्या करता था, GSTR 3B के अंदर वो 200 रुपये दिखा के इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेता था अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो वाट एवर वॉज देयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रजिस्टर पर्सन ही यूज टू टेक द सेम। After insertion of this rule 36 sub rule 4 in October 2019, now it restrict availment of input tax credit. अब आप लोगों को मालूम है कि supplier को क्या file करना है, under section 37 he has to file what? GSTR 1, outward supply की। तो मान लीजिए आपका supplier है, मतलब आपके जो भी supplier है, वो सप्लायर ABCDE, ये 5 सप्लायर है, इनमें से 3 ने GSTR 1 फाइल कर दिया, बाकी दो ने नहीं किया। तो जो भी आपने इनवर्स सप्लाई ली है उसका जो स्टेटमेंट है GSTR 1, वो ABC ने फाइल कर दिया लेकिन D और E ने नहीं किया, तो ऑब्वियसली जो GSTR 1 वो फाइल करेंगे, जो मैंने आपको रिटर्न के चैप्टर में समझाया हुआ है डिटेल लेक्चर के अंदर कि वो कहाँ आएगा, GSTR 2A के अंदर, ठीक है, तो वो आपको GSTR 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जो भी सप्लायर ने इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश की है। तो मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है, ए ने फाइल किया 30, बी ने आपके लिए जो भी उतने आउटवर्ड सप्लाई आपको की है वो 40 है,
और जो सी ने की है वो भी 30 है। इन दोनों ने 50-50 की, लेकिन इन दोनों ने ये इन्फॉर्मेशन अभी तक फाइल नहीं की है। तो आपके जीएसटीआर 2A में क्या आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा। तो अब ये रूल 36 सब रूल 4 बोलता है कि आप 100 रुपीज प्लस 10% एक्स्ट्रा इसका ले सकते हो, प्लस इसका 10%। तो इसका 10% कितना हो गया, 10 रुपीज। तो यू कैन अवेल इन दैट टैक्स पीरियड इन जीएसटीआर 3B 110 ओनली, बट योर बुक्स ऑफ अकाउंट इज शोइंग हाउ मच, 200। तो इट इज बेसिकली रेस्ट्रिक्टिंग योर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसलिए व्यापारी लोग दुखी है, सीए लोग दुखी है। तो जब से ये रूल 36 सब रूल 4 इंसर्ट किया है गवर्नमेंट ने, जब से सीए दुखी है, व्यापारी लोग दुखी है, क्योंकि इसकी वजह से अब व्यापारी का कैश फ्लो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया मतलब कैश आउटफ्लो बेसिकली, क्योंकि वो अभी पहले तो क्या होता था, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी था वो ले लेता था 200 रुपीज, लेकिन अब क्योंकि डी और ई ने जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं किया है, फर्निश नहीं किया है, इसलिए उसको केवल इतना ही मिलेगा। तो ये चला जाएगा कि डी नहीं 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 डी जब भी फाइल करेगा, जब उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए उनका जो केस आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगा, केस आउटफ्लो बढ़ जाएगा ना। जैसे ये जब इन्होंने इंसर्ट किया था अक्टूबर 2019 में, तो ये 10% नहीं था, ये 20% था, और अभी आपके लिए 10% है, लेकिन जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ये ऑलरेडी 5% हो चुका है। तो गवर्नमेंट कम करती जा रही है, और बाद में ये देखना गवर्नमेंट बोलेगी कि जितना अपलोड हुआ है उतना ही आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें केवल अच्छी बात ये है कि आपको सप्लायर वाइज नहीं देखना, आपको टोटल के बेसिस पे देखना है। तो गवर्नमेंट ने इनफैक्ट ये सर्कुलर भी इशू किया, सीबीआईसी ने, सर्कुलर नंबर 12343/2019। ये बेसिकली बोल रहा है कि भाई इट इज गोइंग टू बी ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। सेल्फ असेसमेंट बोलता है सीबीआईसी, लेकिन जीएसटीआर 2A में तो आपको दिखेगा ना कितना है, ठीक है। फुल आईटीसी इस मामले में अवेलेबल होगा, आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट डॉक्यूमेंट इश्यूड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड आईएसडी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ब्लॉक क्रेडिट को इग्नोर करना है। ब्लॉक क्रेडिट मीन्स अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जो भी ब्लॉक क्रेडिट है, दैट यू आर गोइंग टू इग्नोर इट। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 3, ये 3 सप्लायर है, इन्होंने ये इनवर्ड सप्लाई जो भी है उसके ऊपर इतना जीएसटी है रजिस्टर पर्सन का, जो भी इन्होंने सप्लाई की, ओके, रजिस्टर पर्सन को, रजिस्टर पर्सन के तो इनवर्ड सप्लाई है, तो उसके अंदर जीएसटी कंपोनेंट इतना है। अब इन्होंने मिस्टर ए ने पूरा का पूरा जीएसटी आर 1 फाइल कर दिया जो भी उसने सप्लाई किया, बी ने आउट ऑफ 3 लाख ही फर्निश जीएसटी आर 1 फॉर 2 लाख ओनली, मिस्टर सी 10 लाख, 10 लाख कंप्लीट कर दिया इसने। तो अब टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट का एलिमेंट कितना, 15 लाख, ओके, अपलोड कितना हुआ है, 13 लाख। जो मिस्टर बी है जो सप्लायर है उसने 2 लाख रुपए कम का जीएसटीआर 1 फाइल किया। अब हमको ये इग्नोर करना है, ठीक है, मैंने अभी क्या बोला था, सीबीआई ने क्लेरिफाई किया, तो ये तो इग्नोर करना है, क्योंकि एनीवे यू कैन नॉट अवेयर ब्लॉक क्रेडिट, सो यू आर गोइंग टू इग्नोर दिस। सो इफ वी रेड्यूस दिस, बेसिकली आफ्टर इग्नोरिंग वट वी आर गोइंग टू डू, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू रेड्यूस दिस फ्रॉम द टोटो, टोटल से हमने ये रेड्यूस किया। तो रेड्यूस करने के बाद क्या बच गया, ये 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो आईटीसी बाकी 2 इनवॉइस में कितना होना चाहिए था, मतलब जो मिस्टर ए या मिस्टर बी से पर्टेनिंग है, 5 लाख रुपीज, इफ यू रिमूव सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट। इन्फॉर्मेशन कितनी अपलोड हुई है, 3 लाख रुपीज की। तो 3 लाख इंटू 10%, सो सच रजिस्टर्ड पर्सन कैन ओनली अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 3,30,000। रिमेंबर, नो इनवॉइस वाइज आईटीसी, नो सप्लायर वाइज, इट डिपेंड्स ऑन द टोटल। सो वॉट एवर इज रिफ्लेक्टिंग इन जीएसटीआर 2A इंटू 10% एक्स्ट्रा यू कैन टेक। अब ये फिर जीएसटीआर 2B क्या है, मैंने तो जीएसटीआर 2B भी लिखा। अब प्रॉब्लम क्या थी, जीएसटीआर 2A इज डायनेमिक इन नेचर,
इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने आज रिपोर्ट पुल आउट की, तो GSTR 2A कुछ दिखाएगा, कोई भी मान लीजिए एक्स अमाउंट दिखाएगा। टुमारो इफ सपोज वन सप्लायर अपलोडेड वन इंफॉर्मेशन, ओके GSTR 1 उसने फाइल कर दिया मान लीजिए, तो वो GSTR 2A चेंज होके वो अब नया अमाउंट दिखाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि बेसिकली जब भी रजिस्टर पर्सन अपने रिटर्न में डिक्लेयर करता है तो वो GSTR 2A के बेसिस पे डिक्लेयर करता है, लेकिन GSTR 2A तो चेंज होता रहता है। तो गवर्नमेंट ने बोला इसलिए GSTR 2 भी हम लोग दे देते हैं, वो स्टेटिक रहेगा, वो स्टेटिक रहेगा। तो जिस डेट को आप पुल आउट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन 2A की, वो 2B में अपियर होगी वो इन्फॉर्मेशन, वो स्टेटिक हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। GSTR 2A तो डेली बेसिस पे हर मिनट, मान लो आपने अभी इन्फॉर्मेशन निकाली, दूसरे मिनट किसी ने GSTR 1 अपलोड कर दिया तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन और ले लेते हैं, Example 4। तो इसमें सिनेरियो 1, 2, 3 है। बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर पर्सन की ये दिखा रही तीनों के अंदर 10 लाख 10 लाख, लेकिन GSTR 2A या 2B के हिसाब से मान लीजिए जो GSTR 1 सप्लायर्स ने अपलोड किया, एक सप्लायर नहीं, एक से ज्यादा सप्लायर्स ने जो अपलोड किया, अगर आपका एक सप्लायर तो एक ही अपलोड करेगा, अगर ज्यादा है तो ज्यादा अपलोड करेंगे, उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन बेसिक अपलोड की है GSTR 1 में, तो जो अपियर हो रहा GSTR 2A में, यू आर एलिजिबल फॉर सच क्रेडिट। तो ये क्रेडिट अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपका बुक्स अकाउंट तो 10 10 लाख ही दिखा रहा है। तो पहले सिनेरियो में 10 लाख आपका बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा रहा है, लेकिन जो सप्लायर ने GSTR 1 फाइल किया वो 6 लाख के लिए किया, तो देखिए शॉर्टफॉल ऑफ 4 लाख। सो हाउ मच यू कैन टेक, 6 लाख प्लस 10%, सो 6,60,000 यू कैन टेक एंड 3,40,000 यू नीड टू कैरी फॉरवर्ड। इन दिस टैक्स पीरियड यू आर अनेबल टू अवेल दैट क्रेडिट बिकॉज सप्लायर हैज नॉट अपलोडेड द इंफॉर्मेशन। दूसरे सिनेरियो में 10 लाख का 7 लाख उसने अपलोड किया, मतलब एक ने नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो 3 लाख का गैप है। आप कितना ले सकते हो मैक्सिमम, 7 लाख प्लस 10%, 7,70,000, 3,230 यू आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड। इन थर्ड सिनेरियो सप्लायर अपलोडेड, सप्लायर्स और सप्लायर अपलोडेड हाउ मच, 9,30,000। तो देर इज अ गैप बिटवीन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड GSTR 2A और 2B, 70,000। सो नाउ यू कैन अवेल मैक्सिमम 10% ऑफ दिस, सो बेसिकली 9,30,000 प्लस 93,000, 10 लाख, 10 लाख हाउ मच, 10,23,000। बट योर बुक्स ऑफ अकाउंट इज शोइंग 10 लाख ओनली, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू टेक 10 लाख ओनली एंड नो बैलेंस टू कैरी फॉरवर्ड। क्लियर? ओके, ये GSTR 3B में आप सेल्फ डिक्लेयर करके, मतलब बेसिकली सेल्फ असेसमेंट करके अवेल करोगे। बट रिमेंबर द रेस्ट्रिक्शन इज 10% फॉर यू पीपल। आई सेड टू यू 5%, बट 5% इज नॉट एप्लीकेबल ऑन यू, फॉर एग्जाम पर्पज इट इज 10%। ठीक है, 10%। तो ये रूल 36 सब रूल 4। रूल 37 वेरी सिंपल, 180 डेज में पेमेंट नहीं किया देन यू नीड टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट विच इज 18%। अब इसके अंदर जो शेड्यूल 1 के आइटम है, व्हाट इज शेड्यूल 1? एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन नहीं है तो पेमेंट का सवाल ही नहीं आता, करेक्ट? लेकिन ये सप्लाई ट्रीट किया अपन ने और अपन को टैक्स भी पेमेंट करना है, वी डिस्कस इन Chapter 7 ऑल्सो। तो उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो ऑब्वियसली रेसिपिएंट पे नहीं करेगा, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि भाई उस मामले में रिवर्सल की जरूरत नहीं है, ये माना जाएगा कि पेमेंट हो गया है। इसके अलावा सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लोज बी क्या है ये? एनी अमाउंट डेट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन एक्चुअली इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट एंड विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। तो बेसिकली ऑब्लिगेशन किसका था? सप्लायर का, लेकिन रेसिपिएंट ने पे कर दिया तो ऑब्वियसली रेसिपिएंट वापस तो सप्लायर को पे नहीं करने वाला है। जैसे मान लीजिए 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था और 10,000 का रॉ मटेरियल रेसिपिएंट ने प्रोवाइड कर दिया, सो ही इज गोइंग टू पे देन ओनली बैलेंस 90,000। तो इसीलिए इसके रिवर्सल की जरूरत नहीं है क्योंकि पेमेंट हो चुका है इनडायरेक्ट वे में, करेक्ट?
अब अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं होता है तो फिर क्या करना, आपको रिवर्स करना, अलोंग विद दैट रजिस्टर पर्सन नीड टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 बेसिकली 18% फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट टिल द डेट व्हेन द अमाउंट इज एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मैंने एक क्वेश्चन बुक के अंदर दिया हुआ है, वो आप देख लेना, तो कैसे कैलकुलेशन करना वो आपको उसके समझ में आ जाएगा कि ये अवेलमेंट डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट है क्या। उसके बाद में जब भी रेसिपिएंट पेमेंट कर देगा कंसिडरेशन का, ही कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड देर इज नो टाइम फ्रेम फॉर दैट। तो ये सेक्शन 16 अलोंग विथ रूल 36-37। नाउ सेक्शन 17 अपोस्टमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। लेट मी रिमाइंड यू अगेन माई लॉजिक, रजिस्टर पर्सन की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, देन ही कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, यू नीड टू रिमेंबर दिस लॉजिक। चलिए सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्या है। सो इफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ आर पार्टली यूज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पज, देन ITC शैल बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। क्योंकि बिजनेस के मामले में आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होगा, तो इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके ऊपर अवेलेबल है। लेकिन अदर पर्पज के लिए, मान लीजिए पर्सनल पर्पज के लिए आपने यूज किया, तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगा, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। लॉजिक काम किया। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, इफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ आर यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जम्प्ट सप्लाई, द ITC शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्सेबल सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई। एग्जम्प्ट सप्लाई के मामले में नो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, सो नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। सो यू बेसिकली यू कैन अवेल, बेसिकली रजिस्टर पर्सन कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली ऑन टैक्सेबल सप्लाईज अलोंग विथ जियो रेटेड सप्लाई। जियो रेटेड सप्लाई क्या, एक्सपोर्ट एंड रिमेंबर सप्लाई टू SEZ। सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 से अब एग्जम सप्लाई के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जम सप्लाई के अंदर क्या क्या शामिल है। सो फर्स्ट जम्प टू चैप्टर 1 क्लोज 47 पेज नंबर 14 क्लोज 47 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017। अकॉर्डिंग टू डेट एग्जम सप्लाई मीन्स नील रेट ऑफ टैक्स, होली एग्जम फ्रॉम टैक्स एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो ये तीन हमने समझे थे, ये एग्जम सप्लाई है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 इज बेसिकली एक्सपांडिंग द एग्जम सप्लाई स्कोप। तो ये तीन के अलावा एग्जम सप्लाई में और क्या शामिल होगा, सप्लाई वेयर GST इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सो GTA हैज नॉट ऑप्टेड फॉर फॉरवर्ड चार्ज। तो मान लीजिए कोई फैक्ट्री ने उससे सर्विस ली है, तो कौन पे करेगा, फैक्ट्री पे करेगी। तो GTA सप्लायर ऑफ सर्विसेज उसके लिए ये एग्जम सप्लाई होगी। और अगर आपको याद होगा, इसीलिए मैंने बोला था कि जो बड़ी जो ऑर्गेनाइज प्लेयर थे उन्होंने ऑप्ट किए गवर्नमेंट के पास जाके रिप्रेजेंट किया और बोला कि हमको भाई फॉरवर्ड चार्ज का भी ऑप्शन दो, सो दैट आई कैन अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसी वजह से, बिकॉज अगर रिवर्स चार्ज सप्लाई है देन सप्लायर कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 इट इज कंसिडर्ड एज एग्जम सप्लाई। सो अलोंग विद दिस थ्री मीन नील रेटेड, होली एग्जम एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये सप्लाई भी एग्जम सप्लाई है। ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, रिमेंबर सेल ऑफ बिल्डिंग एग्जम सप्लाई में कब आएगी, शेड्यूल 3 वाला। शेड्यूल 3 मतलब CC के बाद या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद कंसिडरेशन मिला है, देन इट इज शेड्यूल 3। नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू GST, और GST की पेमेंट की लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि भैया ये एग्जम है। तो मान लीजिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो वो एग्जम सप्लाई नहीं है क्योंकि GST की लाइबिलिटी है। देन रजिस्टर पर्सन कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग का आप वैल्यूएशन कैसे लोगे, बेसिकली वेरी सिंपल, जो भी स्टाम्प पेमेंट स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट के लिए वैल्यूएशन लिया है वो। ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज का 1% लेना है, ओके। इसके अलावा जो शेड्यूल 3 के जो बाकी आइटम है उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। तो अदर देन पैरा 5 बेसिकली यू कैन से, ठीक है, पैरा 5 जो शेड्यूल 3 के अंदर जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसके अलावा जो भी
बाकी लिस्टेड है उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा, क्योंकि वो एग्जम सप्लाई के अंदर कंसिडर नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 इज बेसिकली एक्सपांडिंग द एग्जम सप्लाई स्कोप। एग्जम सप्लाई की डेफिनेशन के अलावा इसमें ये चार आइटम और शामिल होंगे, ओके। फिर सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 बैंकिंग कंपनी और FI इंक्लूडिंग NBFC बिकॉज दे डील इन प्राइमरली इन मनी एंड मनी, रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इट इज एक्सक्लूडेड, और ये लोग मनी के अंदर ही डील करते हैं, तो उनके पास ऑप्शन है प्रोपोर्शनेट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, ओके। या फिर व्हाट दे कैन डू, दे कैन टेक 50% ऑफ द एलिजिबल इन ITC ऑन इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज, और 50% लैप्स हो जाएगा। अब जब 50% एलिजिबल ITC मतलब ब्लॉक क्रेडिट सब निकालने के बाद, और क्योंकि बैंकिंग कंपनी है सब आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब वो ब्रांचेज के थ्रू डील करती है, उनकी काफ़ी ब्रांचेज होती है, तो उस मामले में 50% रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, उसके ऊपर 100% मिल जाएगा। इसका एक क्वेश्चन आंसर है चैप्टर 8 के अंदर, यू पीपल कैन गो थ्रू दैट। और एक बार अगर ये ऑप्ट कर लिया तो फिर बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल ईयर में ये विदड्रॉ नहीं कर सकती, ओके। वंस इट इज ऑप्टेड देन दे कैन नॉट विदड्रॉ, मतलब ऐसा नहीं कि एक महीने के अंदर ये लू वो दूसरे महीने के अंदर दूसरा मेथड अप्लाई करूँ, ऐसा नहीं। एक बार जो ऑप्ट कर लिया वो कंटिन्यू करेगा। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 विच इज रिलेटेड टू ब्लॉक क्रेडिट एंड इम्पोर्टेंट सेक्शन, इट स्टार्ट विद नॉट विद स्टैंडिंग, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू ओवर रूल ऑन सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 विच आर रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी ऑफ ITC। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज ई, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्सन इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो इनोवा इन्फोसिस बाई करती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय और डायरेक्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल टू इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस का बिजनेस क्या है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। बट इफ सपोज इन्फोसिस बाई बस देन इट इज अवेलेबल बिकॉज बस कैपेसिटी इज मोर देन 13 पर्सन, ओके। तो ये किसको अवेलेबल हो जाएगी, व्हेन इट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, तो टोयोटा इनोवा डीलर, जो टोयोटा का डीलर है वो इनोवा बाई करता है टोयोटा से टू फर्दर सप्लाई, देन डीलर कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, तो कैब सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो टोयोटा इनोवा बाई कर रहे हैं, देन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू देम। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स, बेसिकली मोटर ड्राइविंग स्कूल, तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सिमिलर लाइक फॉर मोटर व्हीकल, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट आल्सो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज डिनाइड, इट इज अवेलेबल इन केस इट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल्स और एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच व्हीकल और ऑन ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट। इसके अलावा वेसल एंड एयरक्राफ्ट इफ इट इज बॉट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स देन इट इज अवेलेबल। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ था पहले, आप लोगों को नहीं मालूम पहले अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके बाद जो फोर्कलिफ्ट सब जो होते हैं क्रेन से सब, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए, तो फोर्कलिफ्ट और जो क्रेन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए नहीं होते, तो उनके ऊपर सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो गया। इसके अलावा जो ATM के लिए, ATM फिलअप करने के लिए जो सिक्योरिटी वैन्स होती है, जो कैश वैन होती है, सिक्योरिटी कैश वैन, उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, ओके। अब इसके अलावा जो एक डाउट आता है खास तौर पे सर, टू व्हीलर का क्या, टू व्हीलर का क्या, तो रिमेंबर मोटर व्हीकल डेफिनेशन, लेस देन फोर व्हील्स फिटेड विद इंजन कैपेसिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग 25 cc, तो अगर स्कूटर की कैपेसिटी 25 cc से ज्यादा नहीं है देन इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड। लेकिन नॉर्मली जो मेरे हिसाब से जो स्कूटर है सब है वो 100 cc 125 cc मोटरसाइकिल है सब उतने cc के तो आते हैं, सो ऑब्वियसली इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी टेकन, ओके। इसका जो क्लोज ए बी है वो इससे रिलेटेड ही है। अब मोटर व्हीकल आपने ली है या वेसल या एयरक्राफ्ट लिया तो उसकी रिपेयरिंग का खर्चा होता है, सर्विसिंग की कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है, तो अगर इसके अंदर डिनाई है मतलब यू कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन
मोटर व्हीकल और वेसल और एयरक्राफ्ट, देन रिलेटेड टू दैट एक्सपेंसेज आर आल्सो, जिसके ऊपर आपने जीएसटी का पेमेंट किया होगा, जैसे इंश्योरेंस या रिपेयरिंग या सर्विसिंग के कॉस्ट पे, तो उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स ब्लॉक्ड है। अदरवाइज यहां अलाउ है तो यहां भी अलाउ है, सिंपल। ओके, फिर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज बी, फूड एंड बेवरेजेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो ऊपर रेंटिंग नहीं कर रहा था, उधर बाई कर रहा था बंदा, यहाँ रेंटिंग भी ब्लॉक हो गया है। वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लोज ए और क्लोज डबल ए एक्सेप्ट वेन यूज फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड देयर इन, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये भी ब्लॉक क्रेडिट है, लेकिन ये क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा वेन रजिस्टर्ड पर्सन इज यूजिंग दिस फॉर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ और एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। तो होटल वाला क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, रूम रेंटल, लेकिन वो एयरपोर्ट पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी भी देता है, तो उसको ITC अवेलेबल हो जाएगा। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर ब्लॉक्ड। ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन, ब्लॉक क्रेडिट। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन आता काफी बार, सर बिस्लेरी मंगाया, बिस्लेरी मंगाया एम्प्लॉय के लिए डेली बेसिस पे, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। फूड एंड बेवरेजेज इंक्लूड बिस्लेरी, सो नॉट अवेलेबल, सो नॉट अवेलेबल। लेकिन किराना की दुकान वाला मंगाता है तो वो फर्दर सप्लाई के लिए लेता है, तो उसको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जब अगर टैक्स प्लानिंग के लिए अगर कोई कंपनी जैसे एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो बिजनेस कॉन्फ्रेंस में वो फूड एंड बेवरेजेस भी होगा, तो उसको भी अवेलेबल नहीं होगा रेस्टोरेंट जो भी बिल है, तो उस मामले में क्या करना चाहिए, सच कंपनी नीड टू हायर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इफ सच टाइप ऑफ लेट्स से बिजनेस कॉन्फ्रेंस, देन इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल टू सच कंपनी। वाई? क्योंकि जो सर्विसेज उन्होंने ली है वो इवेंट मैनेजमेंट के लिए, और इवेंट मैनेजमेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कंपोजिट सप्लाई होगा विच इंक्लूड बिजनेस कॉन्फ्रेंस एट होटल, देन इट इज अवेलेबल। बट इफ सपोज कंपनी डायरेक्टली टेक रादर देन हायरिंग इवेंट मैनेजमेंट, देन इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज गोइंग टू बी अवेलेबल इफ इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सच सर्विसेज टू एम्प्लॉय। कॉल सेंटर के अंदर, ठीक है, एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है मान लीजिए बॉम्बे के अंदर, कि भाई आपको पिकअप ड्रॉप कंपलसरी अपने एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, देन इट इज अवेलेबल। या फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि आपको खाना खिलाना पड़ेगा और आपने आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज ली है, देन इट इज अवेलेबल। देन सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज सी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। रिमेंबर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था, लेबर प्लस मटेरियल प्लस इमोवेबल प्रॉपर्टी, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्टर मान लीजिए अपने उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसका वो कुछ पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो उसको अवेलेबल है। लेकिन आपने फैक्ट्री बनाने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज डिनाइड, बेसिकली ब्लॉक्ड। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज डी, बेसिकली व्हेन यू ओनली बाय ऑल द मटेरियल एंड सर्विसेज एंड यू कंस्ट्रक्ट द फैक्ट्री, देन इट इज डिनाइड, बेसिकली ब्लॉक्ड। तो दोनों में यह फर्क है, यहां आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, यहां आप उसके लिए मटेरियल लेबर सर्विसेज ले रहे हो और खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो यहां भी ब्लॉक था। देन सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज ई, गुड्स और सर्विसेज बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम, ब्लॉक। ओके, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज एफ, NRTP जो गुड्स या सर्विसेज या दोनों जो भी रिसीव करता है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट व्हेन ही इज इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो उसके ऊपर जो वो IGST का पेमेंट करेगा वो अवेलेबल है। देन सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज जी गुड्स और सर्विस बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ऑब्वियसली ब्लॉक। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज एच, गुड्स लॉस स्टोलन डेस्ट्रॉय रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। तो गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया या डेस्ट्रॉय हो गया, देन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू पे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, सो नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें खास तौर पे बात आपको ये ध्यान रखना, गिफ्ट और फ्री सैंपल उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। मैंने चैप्टर 7 के अंदर आप लोगों को बोला था, इफ यू पीपल रिमेंबर चैप्टर 7, आई सेड
फ्री सप्लाई नो जीएसटी, तो उस समय सब खुश हो गए, अरे फ्री सप्लाई नो जीएसटी बिकॉज ट्रांजेक्शन वैल्यू बिकम जीरो। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग जीएसटी का पेमेंट मत करो, लेकिन यू कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच आइटम। तो इसकी वजह से जो फार्मा कंपनी, उनको बहुत बड़ा लॉस हो गया, बिकॉज नॉर्मली व्हाट दे डू, दे गिव फ्री सैंपल टू डॉक्टर, करेक्ट, और गिफ्ट। अब गिफ्ट के मामले में आपको इसको इंटरलिंक करना है, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है गिफ्ट टू एम्प्लॉय, रिमेंबर। तो एम्प्लॉय को गिफ्ट दोगे अप टू 50,000, नो सप्लाई नो नीड टू पे जीएसटी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वन पैरा टू, बट रिमेंबर दीज आर इंडिपेंडेंट सेक्शन, सो आईटीसी नीड टू बी रिवर्स। इसलिए मैंने चैप्टर टू के अंदर शेड्यूल वन के अंदर पैरा टू के अंदर लिखा भी ये रिमार्क हाईलाइट करके। सो आईटीसी इज गोइंग टू बी डिनाइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज एच, देन सेक्शन 17। अच्छा इसके अंदर एक और बात आती है सर, वेस्टेज होता है, वेस्टेज कभी भी गुड्स लॉस्ट या स्टोलन या डिस्ट्रॉय नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो तो पार्ट ऑफ प्रोसेस, आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कुछ वेस्टेज निकलेगा ही, देन दैट इज अलाउड, यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट 100% ऑन रॉ मटेरियल। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज आई, एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129, 130, तो जो फ्रॉड है सब आप करते हो, देन आईटीसी यू कैन नॉट अवेल, ओके। देन यू नीड टू रिमेंबर प्लांट एंड मशीनरी अकॉर्डिंग टू दिस जो रूल है उसके अंदर, जो उन्होंने जो सेक्शन है उसके अंदर जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब से, प्लांट एंड मशीनरी मीन्स एपरेटस इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स टू अर्थ बाई फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट डेट आर यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ इंक्लूड एंड इंक्लूड सच फाउंडेशन स्ट्रक्चरल सपोर्ट बट एक्सक्लूड लैंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर टेली कम्युनिकेशन टावर्स। सो बेसिकली टेली कम्युनिकेशन टावर्स आर नॉट प्लांट एंड मशीनरी, इट मीन्स टेलीकॉम कंपनी कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इंस्टॉलिंग टेली कम्युनिकेशन टावर पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, तो इसके ऊपर भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा बेसिकली। रूल 42 सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, यू कैन नॉट अवेल आईटीसी, यू कैन अवेल आईटीसी ओनली फॉर बिजनेस पर्पज, यू कैन नॉट अवेल ऑन अदर देन बिजनेस जैसे पर्सनल। एंड सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन टैक्सेबल इंक्लूडिंग जियो रेटेड सप्लाई बट यू कैन नॉट अवेल आईटीसी ऑन एग्जम सप्लाई। अब मान लीजिए किसी महीने में मतलब रजिस्टर्ड पर्सन के पास कुछ जो इनवर्स सप्लाई है वो एग्जम के लिए है, कुछ उसने पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो क्या होगा, आप प्रोपोर्शनेट कैसे करोगे, ठीक है। तो उसका लिए रूल 42 है, सो 42 इज बेसिकली रिलेटेड टू इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज एंड 43 इज रिलेटेड टू कैपिटल गुड्स। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, सबसे पहले अपन टोटल टी जो भी जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सब लेंगे, दिस इज टी टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, सॉरी टोटल आईटीसी। उसके बाद सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, अदर देन बिजनेस, तो जो भी अदर देन बिजनेस है उसको अपन माइनस कर देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे T1, ये हम माइनस करेंगे जो भी टोटल में से है। फिर दूसरा क्या, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 सॉरी 2 जिससे किससे रिलेटेड है एग्जम्प्ट, तो जो भी एग्जम्प्ट सप्लाई से डायरेक्टली रिलेटेड है उसको हम T2 बोलेंगे और वो माइनस कर देंगे टोटल में से इसमें से। फिर थर्ड क्या है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 बेसिकली इन एलिजिबल आईटीसी या अपन बोल सकते हैं ब्लॉक क्रेडिट, तो इसको अपन T3 बोल देंगे। तो ये डायरेक्टली आप नहीं ले सकते, तो इन सबको माइनस करोगे, इन सबको माइनस करने के बाद जो आपको मिलेगा वो क्या होगा C1, ये C1 आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके जाओगे, ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके जाओगे, अब इसके अंदर T4 भी होगा, T4 क्या है बेसिकली रिलेटेड टू ITC रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई एंड जीरो रेटेड, तो इस पे तो अलाउ है, ठीक है। तो आपने पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले गए, इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा C2, C2 क्या कॉमन क्रेडिट,
ये कॉस्टिंग के अंदर होता है ना एक डायरेक्ट एक्सपेंसेज, जो रॉ मटेरियल वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, अब ऑफिस एक्सपेंसेज है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर एलोकेट करना है तो आप कैसे करोगे, वो तो इनडायरेक्ट है, तो आप कोई रेशियो लेके करोगे। वैसे ये क्या होगा कि ये तो डायरेक्ट थे कि भैया ये पर्सनल यूज के लिए लिया, या ये एग्जम्प्ट के लिए था, या ये ब्लॉक है और ये एलिजिबल है, तो ये जो डायरेक्ट आपने पहले माइनस कर दिया इसमें ये एलिजिबल है, मतलब आप ले सकते हो। अब जो कॉमन बचा उसमें एग्जम सप्लाई का और अदर देन बिजनेस का कितना प्रपोर्शन है वो अपन को निकालना पड़ेगा, क्या पोर्शन उससे रिलेटेड है। तो सी टू अपने को मिला, तो सी टू में फिर अपन डी वन निकालेंगे जो एग्जम के लिए है। बेसिकली उसका फार्मूला क्या है, ई डिवाइडेड बाई एफ एग्जम सप्लाई डिवाइडेड बाई जो टर्न ओवर है अपना इंटू सी टू, ये सी टू ओके। और डी टू का क्या डायरेक्ट ही है, सी टू इंटू 5% पर्सनल के लिए। तो उसके बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी थ्री, जिस जो बेसिकली पर्टेनिंग किससे है, टैक्सेबल सप्लाई प्लस जीरो रेटेज, सो यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ दिस एंड रिमेंबर यू ऑल यू कैन ऑल्सो अवेल ऑफ दिस, सो थ्री सी थ्री प्लस टी फोर यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जो एग्जम सप्लाई है उसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल है। एग्जम सप्लाई बेसिकली जो एग्जम हमने देखा था सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है, और इसके अंदर एग्जम सप्लाई के अंदर और जो पूरे जो टर्न ओवर इन स्टेट है, ठीक है, जो रजिस्टर पर्सन का, उसमें से हमको माइनस क्या करना है, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो अल्कोहलिक लिकर पे लगती है, प्लस VAT एंड CST, तो वो दोनों में से माइनस करना ओके। अब अगर मान लीजिए किसी वजह से, तो ये दोनों के लिए कॉमन है, तो कॉमन के ऊपर अपन जंप करते हैं, तो रूल 42-43 के लिए कॉमन है कुछ चीज़ें। अगर टर्नओवर नहीं है रजिस्टर पर्सन का टैक्स पीरियड में, तो जहाँ भी उसका पिछला टैक्स पीरियड में टर्नओवर अवेलेबल है वो यूज करना है इसको कैलकुलेशन के लिए। एग्जम सप्लाई के अंदर मैंने आपको बता दिया सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि नील रेटेड होली एग्जम्प्ट प्लस नॉन टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, प्लस यू नीड टू एड ट्रांजेक्शन अंडर रिवर्स चार्ज, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग की आप जो स्टाम्प ड्यूटी के लिए वैल्यूएशन लिया वो लोगे, एंड ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटी के लिए 1% ओके। इसके अलावा जो एग्जम सप्लाई में मैंने टैक्सेज आपको एक्सक्लूड करना बता दिया वो दोनों में करना है, टर्न ओवर में भी करना है एग्जम सप्लाई में भी करना है, वो क्या है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, CST एंड VAT। इसके अलावा एग्जम सप्लाई में जो इंटरेस्ट है वो आपको माइनस करना है, लेकिन बैंकिंग कंपनी के लिए आप नहीं करोगे, उसके लिए इंक्लूड करोगे, लेकिन बाकियों के लिए इंटरेस्ट और डिस्काउंट को आपको माइनस करना है, बेसिकली एक्सक्लूड करना है, क्योंकि ये एग्जम्प्ट है। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये वो बोल रहे हैं कि सर्विसेज है एग्जम्प्ट है, लेकिन गवर्नमेंट वांट टू गिव यू इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दोज, लेकिन बैंकिंग कंपनी क्योंकि उनका तो बिजनेस ही है इसलिए उसको एक्सक्लूड नहीं करना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई ए वेसल फ्रॉम द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया विच इज एग्जम, लेकिन ये आपको एक्सक्लूड नहीं करना, मतलब इनके ऊपर ITC अवेलेबल है ओके। तो ये कॉमन है रूल 42-43 के अंदर। अब रूल 42 के अंदर, 42 के अंदर आपने कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद आपको आप टैक्सेबल पीरियड के हिसाब से करोगे, बाद में आपको ईयर एंड के बेसिस पे, ईयर एंड के बाद जो एक फाइनेंशियल ईयर है उसके बाद आपको ईयरली बेसिस पे करना है। और अगर D1, D2, क्योंकि रिमेंबर आपने C1 बेसिकली T1, T2, T3 तो पहले ही माइनस कर लिया, तो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया ही नहीं, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा C1 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके गए, फिर D1, D2 का आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया, बेसिकली उसको रिवर्स कर रहे हो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एड करके, तो उस मामले में जो ये सेक्शन क्या बोल रूल क्या बोलता है 42, कि आपको वापस ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करना है, और जो आपने D1, D2 रिवर्स किया है, D1, D2 जो जो भी टैक्स पेड के हिसाब से रिवर्स किया, अगर वो कम है आपके जो ईयरली बेसिस पे कैलकुलेशन के बाद अगर वो कम है तो आपको पे करना है, मतलब रिवर्स करना है बेसिकली वापस जो भी एक्सेस है अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपको क्या कैलकुलेट कब कब से करना है, अप्रैल से ओके। सो अप्रैल से आपको कैलकुलेट करना जब भी आप पेमेंट करोगे तक ओके, बेसिकली रिवर्स या जो भी आप पेमेंट। अब रिवर्सल और पेमेंट का क्या चक्कर है, इसके अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है सर रिवर्सल करना कि पेमेंट करना,
GSTR 2 लाइव नहीं है, तो अपन अगर रिवर्स भी बात करें तो आपको बेसिकली पेमेंट ही करना, ठीक है। तो इसलिए उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, बेसिकली कैलकुलेशन के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि जहाँ प्रोविजन है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ रिवर्सल। ओके, और अगर आपने ज़्यादा रिवर्स कर लिया तो यू कैन अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हेन नॉट लेटर देन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच क्रेडिट रिलेट। अब रूल 43 विच इज रिलेटेड टू कैपिटल गुड्स, उसमें भी आपको वही फंडा अप्लाई करना है। रूल 43, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल देयर ऑफ इन सर्टन केसेस। जब हमने रूल 42 डिस्कस किया था तो मैंने उस समय आपको बोला था कि रूल 42 इज रिलेटेड टू इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज एंड रूल 43 रिमेंबर इट इज रिलेटेड टू कैपिटल गुड्स। तो फंडा अलग है क्या? सेम फंडा है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 से यू आर सपोज टू टेक क्रेडिट ओनली ऑन गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ विच आर यूज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस, फॉर अदर पर्पज यू कांट अवेल। एंड देन सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 से इफ एनी गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ विच आर यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई जियोरेटेड सप्लाई एंड एग्जम सप्लाई देन यू कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एग्जम सप्लाई, करेक्ट। तो इसलिए रूल 43 सब रूल 1 क्या बोलता है क्लोज ए कि कैपिटल गुड्स विच आर यूज स्पेसिफिकली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज एंड अफेक्टिंग एग्जम सप्लाई। तो अगर एक्सक्लूसिवली आपने उसको एग्जम सप्लाई के लिए परचेस किया है या नॉन बिजनेस पर्पज के लिए देन यू कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ दैट एंड सच GST पेड टू द सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन इज गोइंग टू पे टू द सप्लायर दैट्स व्हाई इट इज इनपुट टैक्स। सो दैट इनपुट टैक्स यू आर नॉट गोइंग टू क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कैपिटल गुड्स विच आर पर्टेनिंग टू एग्जम सप्लाई एक्सक्लूसिवली और फॉर नॉन बिजनेस पर्पज। आपने 10 लैपटॉप खरीदे, 5 लैपटॉप अपने घर वालों को दे दिए, तो नॉन बिजनेस पर्पज यू कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दैट। एक मशीनरी आपने खरीदी विच इज गोइंग टू बी यूज एक्सक्लूसिवली टू मैन्युफैक्चर एग्जम्प्ट सप्लाई यू कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, क्लोज बी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 43, कैपिटल गुड्स विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाई और नॉट, नो, which you are going to use for taxable supply along with zero rated supply. तो या तो आपने taxable supply के लिए उसको खरीदा या zero rated supply या दोनों के लिए मान लीजिए, but it is not going to be used for exempt supply. So that amount you can avail input tax credit. So you are going to credit it to the electronic credit ledger. आपको खास तौर पे GST में ही ध्यान रखना है कि जब भी आपने capital goods buy किया You can avail 100% input tax credit immediately. क्योंकि previous law के अंदर क्या होता था, 2 साल में मिलता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है GST के अंदर। Immediately you can avail input tax credit. मैंने आज की तारीख में खरीदा, मैं immediately I can avail the input tax credit. ठीक है, आपने plant and machinery खरीदी 1 करोड़ रुपीज की, उसके ऊपर 12% GST आपने पे की, तो you can अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 12 लाख रुपीज इमीडिएटली। ओके, बट कीप इन माइंड इन GST लॉ कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी ली गई है, 5 ईयर्स। कितनी ली गई है, 5 ईयर्स। तो क्लोज ए क्या बोलता है सब रूल 1 का ऑफ रूल 43 कि जो एग्जम सप्लाई नॉन बिजनेस पर्पज से रिलेटेड कैपिटल गुड्स है यू कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, सो यू आर नॉट गोइंग टू क्रेडिट इट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बट कैपिटल गुड्स विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई और जियो रेटेड सप्लाई और फॉर बोथ यू कैन क्रेडिट इट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 100%। क्लोज सी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 43, अब ऐसी भी कोई कैपिटल गुड्स हो सकती है जो आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करो, जियोरेटेड सप्लाई के लिए यूज करो और एग्जम सप्लाई के लिए भी यूज करो।
तो एक मशीनरी आपने परचेज की, वो मशीनरी मैन्युफैक्चर करती है जो गुड्स, वो टैक्सेबल है, जियो रेटेड भी है, और कुछ जो वो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है वो एग्जम्प्ट है। तो इसका क्या होगा, इसका भी आपको पूरा इनपुट टैक्स के जब आप खरीद रहे हो तो मिल जाएगा। मतलब बेसिकली ऑब्वियसली यू नीड टू सेटिस्फाई कंडीशंस मेंशनड इन सेक्शन 16, ठीक है, जैसे उसकी सप्लाई मिल गई हो, आपके पास इनवॉइस हो वगैरह वगैरह। तो ये जो कॉमन कैपिटल गुड्स है विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जम्प्ट सप्लाई, उसका आपको 100% क्रेडिट मिल जाएगा, आप क्रेडिट ले लीजिए। बट दिस क्रेडिट इज गोइंग टू बी डिनोटेड एज ए, ऐसे गवर्नमेंट पूरा नहीं देगी। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले वाला तो आप ले ही नहीं सकते बिकॉज एक्सक्लूसिवली दैट इज फॉर नॉन बिजनेस पर्पज और अफेक्टिंग एग्जाम सप्लाई। तो इसको तो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट ही नहीं ले करना। ये वाला आप टैक्सेबल सप्लाई या जियो रेटेड सप्लाई के लिए कैपिटल को सर, तो यू आर गोइंग टू क्रेडिट इट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ओके, और उसी समय आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। क्लोज सी वाला इज बेसिकली कॉमन कैपिटल गुड्स विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर एग्जम सप्लाई एज वेल एज टैक्सेबल एंड जियो रेटेड सप्लाई और जियो रेटेड सप्लाई, ठीक है। तो जो भी है, मतलब एग्जम सप्लाई के साथ टैक्सेबल जियो रेटेड भी है, या केवल टैक्सेबल है या जियो रेटेड है, यानी एग्जम सप्लाई के साथ में ही है। तो इसलिए आप इसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लोगे 100%, जितना आपने जीएसटी पे किया आप उसी समय उसका पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, यानी 1 करोड़ पे 12 लाख अगर आपने जीएसटी पे किया तो 100% यू कैन अवेल। लेकिन ये जो 12 लाख आपने पे किया है उसको आप ए बोलोगे, ए क्योंकि कॉमन है। तो अब जो आपको 12 लाख मिला है, आपने 1 करोड़ पे किया, ठीक है, ये कंसीडरेशन है। इसके अलावा 12 लाख इसके ऊपर जीएसटी पे किया, ठीक है। तो ये जो 12 लाख पे किया है इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट इमीडिएटली मिल जाएगा, लेकिन लाइफ कितनी है कैपिटल गुड्स की, 5 इयर्स। तो बेसिकली ये आपको 5 साल के अंदर, मतलब बेसिकली 5 साल के यूज के लिए मिल रही है। तो अब हर महीने आपको क्या करना है, रूल 43 क्या बोलता है कि भाई आप इमीडिएटली ले लो, लेकिन जो कॉमन है उसका आप क्या करोगे, हर महीने हिस्सा कितना होगा, 12 लाख डिवाइडेड बाई 60 कर दो आप, तो हर महीने कितना होगा, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, 20,000। यानी हर महीने अगर हम लोग इसकी 5 इयर्स लाइफ माने तो हर महीने यू आर एलिजिबल फॉर 20,000 इनपुट टैक्स क्रेडिट। द जीएसटी से यू टेक ऑन डे वन एंटायर अमाउंट। नाउ एवरी मंथ यू आर एलिजिबल फॉर 20,000, तो उसमें से जो भी एग्जम सप्लाई का हिस्सा है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर मंथ मंथ वन के अंदर एग्जाम सप्लाई का हिस्सा, मान लीजिए एग्जाम सप्लाई है लेट एज्यूम 1 करोड़ रुपीज, और जो टोटल टर्नओवर है, ठीक है, वो मान लीजिए 10 करोड़ है। तो एग्जाम सप्लाई का कितना हुआ, 10%, तो आपको 2,000 रुपये बेसिकली गवर्नमेंट को पे करने। अब अगले महीने मान लीजिए एग्जाम सप्लाई 20% हो गया तो आपको 4,000 पे करना है। तो बेसिकली गवर्नमेंट कर क्या रही है कि आपको क्रेडिट पूरा दे रही है, लेकिन फिर हर महीने क्या करना है, आपको प्रोपोर्शनेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। डे वन को आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा कॉमन का, लेकिन फिर हर महीने जितना भी एग्जाम सप्लाई का रेशियो होगा उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि 60 मंथ है कैपिटल गुड्स की लाइफ, तो 60 मंथ आप डिवाइड करके बोलोगे कि भाई हर महीने में इतने अमाउंट के लिए एलिजिबल था, उसमें से एग्जाम कितना वो आपको नहीं लेना, बेसिकली आपको गवर्नमेंट को पे करना। तो इसलिए गवर्नमेंट बोल रही भाई उसको ए मान लो, जो कॉमन है कॉमन को ए माना, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल 39, पहला एग्जाम्पल आईसीआई का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अजूर प्राइवेट लिमिटेड है रजिस्टर सप्लाई मैन्युफैक्चर पेंट एंड अदर केमिकल्स। पेंट इज बेसिकली टैक्सेबल एंड अदर केमिकल्स आर एग्जम्प्ट, याद रखना है ये एग्जाम्पल कंटिन्यू है। तो अदर केमिकल बेसिकली इज एग्जम्प्ट बट पेंट इज टैक्सेबल। इट इज परचेज ए मशीनरी ऑन अक्टूबर 1 फॉर मेकिंग बोथ पेंट एंड अदर केमिकल।
तो अदर केमिकल इज एग्जाम्प्ड, लेकिन पेंट इज टैक्सेबल, लेकिन कॉमन कैपिटल गुड्स है। तो इसलिए इसने कितने की मशीनरी खरीदी, 1 करोड़ की, उसके ऊपर जीएसटी का अमाउंट पे किया अजूर प्राइवेट लिमिटेड ने 12 लाख। तो इसको इनपुट टैक्स के 12 लाख इमीडिएटली मिल जाएगा एंड ही कैन क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब इसकी लाइफ क्या होगी, अक्टूबर 1 + 5 ईयर, करेक्ट। तो ये इसकी सेल्फ लाइफ है। एग्जाम्पल 40, कंटिन्यूइंग द फैक्ट ऑफ एग्जाम्पल 39, फ्रॉम अक्टूबर 1 अजूर प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड यूजिंग वन ऑफ इट्स ओल्ड मशीन विच वॉज बींग यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर केमिकल्स। तो अदर केमिकल के लिए यूज होती थी तो वो एग्जम्प्ट है अदर केमिकल, तो पहले ही अदर केमिकल के लिए यूज होती थी। तो यानी कि जब ये मशीनरी खरीदी तो उस समय अदर केमिकल के लिए आप यूज कर देते, इसलिए आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया होगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये मशीनरी इन्होंने जो 2 साल पहले खरीदी थी अक्टूबर 1 - 2 जो 60 लाख में खरीदी थी, अब इसने बोला कि भाई ये पहले तो हम केवल अदर केमिकल के लिए यूज कर रहे थे इसलिए हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन अब ये कॉमन हो जाएगी, अब हम इसको पेंट भी इससे मैन्युफैक्चर करेंगे। तो यानी कि उस समय हमने लिया नहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट बिकॉज इट वॉज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर अदर केमिकल, बट नाउ इट बिकेम कॉमन। तो 1 अक्टूबर से कॉमन हो रही है। तो इसके ऊपर उस समय जब खरीदा था, जब हमने 12% बेसिकली 7.2 लाख पे किया था, ठीक है, तो 7.2 लाख पे किया था। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये आगे आप देखोगे TII ये है। तो गवर्नमेंट बोलती है बेसिकली कि आप 7.2 लाख पूरा ले लो अब, क्योंकि अब ये कॉमन हो गया। तो 12 लाख तो जो आपने नहीं खरीदी उसका, और 2 साल पहले जो खरीदी थी जब आप कॉमन में ले रहे हो उसका भी हम पूरा आपको दे रहे हैं। अब आप सोच रहे हो गवर्नमेंट पागल है क्या, नहीं पागल नहीं है, वो बोल रहे 7.2 लाख हम पूरा दे रहे हैं, लेकिन लेकिन 2 साल तो आपने एग्जम्प्ट के लिए यूज की 2 साल तो आपने एग्जम्प्ट के लिए यूज की थी ना, तो उस समय का तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो एक काम करो, जो 7.2 है आप 5% पर क्वार्टर काउंट करो, तो कितने क्वार्टर हुए 2 साल के अंदर, 8 क्वार्टर, तो 7.2 लाख मतलब 7,20,000 इंटू 5% इंटू 8 क्वार्टर, तो क्या हो गया 40%। तो 40% बेसिकली 2,88,000 आप हमको पे कर दो, आप पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट लो, लेकिन क्योंकि 2 साल तो आपने इसको एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए यूज की आप नहीं ले सकते, तो अब 2,88,000 मेरे को पे कर दो। तो वो कम नहीं करवा रही, वो बोलती कि भाई 720 पूरा लो, क्यों, जिससे कि वो इनवॉइस से मैचिंग कर सके। हाँ 720 का इनवॉइस था जिसमें जीएसटी अमाउंट 720 दिखा रहा था, तो 720 बंदे ली और फिर 40% उसने मेरे को पे कर दिया। तो एक्चुअल में आपने माइनस करके ही लिया है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती पूरा ले, लेकिन 288 मेरे को डायरेक्टली पेमेंट कर दे, ठीक है। तो ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो अब आपका ए कितना हो गया, 12 लाख ये, 7,20,000 ये। अब क्लोज डी क्या बोलता है कि भाई इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन क्रेडिट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन क्रेडिट। तो कॉमन क्रेडिट आपका कितना हो गया, 12 लाख, तो ये हो गया, और 7.2 ये 19.2 लाख हो गया। अब इसमें एक एक एग्जाम्पल हो रहा है, एग्जाम्पल 42, ये क्या बोल रहा है, कंडक्टिंग द फैक्ट ऑफ एग्जाम्पल 39, 40 एंड 41 एज्यूर प्राइवेट में स्टार्टेड यूजिंग वन ऑफ इस ओल्ड मशीन विच वॉज बींग यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट। तो पेंट तो टैक्सेबल था, तो ये टैक्सेबल के लिए लिया, तो उसने पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, लेकिन अब ये इसको कॉमन में भी ले रहा है। तो कॉमन में ले रहा है, तो पहले ये ए में नहीं था, कॉमन क्रेडिट में नहीं था, तो अब ये कॉमन में स्टार्ट कर रहा है, तो इसलिए अब इसको ए में ऐड करना पड़ेगा। कितना है भाई, 2 करोड़ का अमाउंट में उन्होंने परचेज की, इस पर 12% कितना होता है, 24 लाख, ठीक है, 24 लाख। तो ये 24 लाख हम अब इसको ऐड कर देंगे 19.2 लाख में, तो अब क्या हो गया, कॉमन क्रेडिट विल बी 43.2 लाख। अब क्या करेंगे, 43.2 लाख का, अब ये तो क्या है 5 साल का है, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60, तो हमको पर मंथ मिल जाएगा। तो 43.2 लाख डिवाइडेड बाय 60, तो बेसिकली एवरी मंथ
72,000 इनपुट टेस्ट रेट विच इज पर्टेनिंग टू कॉमन, विच इज पर्टेनिंग टू कॉमन. अब उसका कैसे करेंगे, 72,000 इंटू बेसिकली ई डिवाइडेड बाई एफ, करेक्ट, ई डिवाइडेड बाई एफ करेंगे. एग्जाम सप्लाई का जो भी होगा वो एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर वो थोड़ा अलग का हिसाब से काम करते हैं, तो उन्होंने टीआर था जो टोटल था बेसिकली, उसकी डेफिनेशन ही उन्होंने डिलीट कर दी. तो डेफिनेशन डिलीट कर दी इसलिए ये फार्मूला जो है वो यूजलेस हो गया, फार्मूला यूजलेस हो गया. पहले ये यूजलेस नहीं था, लेकिन उन्होंने ये क्योंकि डेफिनेशन उसकी डिलीट कर दी है, ऑमिट कर दी है क्लोज एप, इसलिए अब ये यूजलेस हो गया, क्योंकि आप टीआर की वैल्यू कैसे निकालोगे. लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये नहीं होता तो बहुत सिंपल है. अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये डेफिनेशन तो सेम ही जो हमने रूल 42 में देखी थी, एग्जांपल 44 देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. ये आउटवर्ड सप्लाई है टैक्सेबल गुड्स का, ये एग्जाम सप्लाई है, ठीक है, टोटल टर्नओवर ये है, ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है. तो ये अगर ये टीआरवीआर का लफड़ा नहीं होता तो कैसे कैलकुलेट करते. अब कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, तो ये तो आप ले सकते हो, एग्जाम सप्लाई आप नहीं लोगे और ये कॉमन है, ठीक है. तो आप इनपुट टैक्स रेट किसका लोगे, इसका लोगे, इसका 100% ले लोगे. अब हर महीने आपको क्या करना है, जो ये कॉमन हो गया तो ये ए हो गया 4,200, इसको डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो पर मंथ कितना हो गया 70. तो जिस महीने का भी दिया हुआ, सेप्टेम्बर का दिया था उसके लिए 70 हो गया. तो आप जब भी खरीद रहे हो तो पूरा ले रहे हो. अब हर महीने आपको क्या करना है कि ये कॉमन है तो 70. अब एग्जाम टर्नओवर कितना है 40,000, टोटल कितना है 1,10,000. तो 40,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000 इंटू 70, तो हमको मालूम चल जाएगा कि भाई एग्जाम टर्नओवर से रिलेटेड कितना हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट ये. तो इसको हम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे, ठीक है. जो मैंने आपको बोला था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि आप हर महीने, अभी 10% है 20% एग्जाम सप्लाई का रेशियो है, तो हर महीने आप जो कॉमन है उसको डे वन को आप पूरा ले लोगे. फिर हर महीने आप क्या करोगे, जितना भी एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड होगा पर्टेनिंग टू टर्नओवर रेशियो के बेसिस पे, आप उतना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करते जाओ, ठीक है. तो ये रूल 43 है और ये नोट्स तो हमने पहले ही देख लिया था, ओके. इसके बाद रूल 88A, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी. रूल 88A यू नीड टू फॉलो इन एग्जाम, वेरी सिंपल. फर्स्ट यू नीड टू एग्जॉस्ट एंटायर आईटीसी रिलेटेड टू आईजीएसटी. सबसे पहले आप आईजीएसटी का जो आईटीसी अवेलेबल है उसको एग्जॉस्ट करोगे, मतलब फुल्ली यूटिलाइज करोगे अगेंस्ट द आईजीएसटी लाइबिलिटी. आईजीएसटी लाइबिलिटी के बाद मान लीजिए आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी बच जाता है, देन यू कैन यूटिलाइज अगेंस्ट सीजीएसटी और एचजीएसटी इन एनी ऑर्डर. बेसिकली आपको टैक्स प्लानिंग करना पड़ेगा कि कहाँ मेरा केस कम जा रहा है, तो उसके बेसिस पे आप करो, ओके. जो भी एनी ऑर्डर यू कैन यूटिलाइज आईजीएसटी, एक बार फुल्ली आप यूटिलाइज कर देते हो देन ओनली यू कैन यूटिलाइज सीजीएसटी एंड एचजीएसटी. सीजीएसटी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में पहले सीजीएसटी आईटीसी, उसके बाद अगर बच जाता तो आईजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में, और ऐसे इसी मामले में एचजीएसटी यूटीजीएसटी के मामले में पहले एचजीएसटी यूटीजीएसटी की लाइबिलिटी, कुछ बच जाता तो आईजीएसटी के अगेंस्ट में. यू नीड टू कीप इन माइंड कि एक स्टेट का, क्योंकि स्टेट वाइज आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप दूसरे स्टेट में सीजीएसटी एचजीएसटी यूटीजीएसटी यूटिलाइज नहीं कर सकते. इसके अलावा सीजीएसटी का क्रॉस यूटिलाइजेशन एचजीएसटी यूटीजीएसटी के साथ पॉसिबल नहीं है, और एचजीएसटी यूटीजीएसटी को भी आप क्रॉस यूटिलाइज नहीं कर सकते विथ सीजीएसटी लाइबिलिटी. आईजीएसटी के अगेंस्ट में ले सकते हो, लेकिन यहाँ क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते. एंड इन एग्जाम यू नीड टू अप्लाई रूल 88E. नाउ सेक्शन 18, क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. रिमेंबर आवर लॉजिक, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज देयर, देन यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट. इट इज गोइंग टू मेक सेक्शन 18 वेरी इजी. सेक्शन 18 सब सेक्शन 1, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड पर्सन इज अप्लाइंग विद इन 30 डेज, देन ही कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स. तो मान लीजिए कोई पर्सन लायबल टू
टू पे टैक्स है फ्रॉम 1 अगस्त, सो ही कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन स्टॉक ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 जुलाई, क्योंकि जब भी ये अब स्टॉक ये सेल करेगा सप्लाई करेगा ही इज गोइंग टू पे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, सो दैट्स वाई गवर्नमेंट इज गिविंग हिम बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, दैट्स वाई ही कैन नाउ अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। पर्सन इज टेकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तो जो भी डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसके प्रेसिडिंग डे में जो भी उसका क्लोजिंग स्टॉक है, बेसिकली अगेन इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक और इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, ओके, उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। रजिस्टर पर्सन हु वाज पेइंग अंडर कंपोजिशन स्कीम नाउ शिफ्टिंग टू नॉर्मल स्कीम, सो ही कैन ऑल्सो अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस कैपिटल गुड्स, तो उसके मामले में कैपिटल गुड्स के ऊपर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। रिमेंबर ये दोनों न्यू रजिस्ट्रेशन के मामले में कैपिटल गुड्स पे नहीं, ओनली क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। एंड क्लोज डी बेसिकली अगर एग्जम सप्लाई टैक्सेबल बन जाती है, तो टैक्सेबल है देन ऑब्वियसली द रजिस्टर्ड पर्सन इज गोइंग टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, सो ही कैन नाउ अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दैट। सेक्शन 18 सब सेक्शन 2, ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक ITC अंडर सेक्शन 18 सब सेक्शन 1, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था दैट न्यू रजिस्टर्ड पर्सन वेदर ही इज लायबल टू रजिस्टर और टेकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और पर्सन कन्वर्टिंग फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू रेगुलर स्कीम और एग्जम सप्लाई बिकमिंग टैक्सेबल ही इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 से द पर्सन इज एलिजिबल इन केस इफ द इनवॉइस इज नॉट आफ्टर 1 ईयर, तो अगर इनवॉइस 1 साल के बाद का है देन सच पर्सन कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। देन सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 बेसिकली टॉक अबाउट चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, सेल मर्जर डी मर्जर एमालगमेशन लीज और ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस विद द स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, यानी कि जो GST लाइबिलिटी है वो भी ट्रांसफर हो रही है, देन अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ ITC कैन बी ट्रांसफर्ड टू सोल्ड मर्ज डी मर्ज एमालगमेटेड लीज और ट्रांसफर्ड बिजनेस। अब इसमें एक CBIC ने क्लेरिफिकेशन इश्यू किया है कि क्या इसके अंदर क्वेश्चन ये था CBIC के सामने, क्या डेथ ऑफ सोल प्रोपराइटर, अगर मान लीजिए वो किराने की दुकान है और उसका जो प्रोपराइटर है उसकी डेथ हो जाती है और कुछ अनयूटिलाइज क्रेडिट है, तो जो मान लीजिए जो भी अब नया ओनर बन रहा है उसको वो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर होगा, तो CBIC हैज क्लेरिफाइड दैट यस इट कवर सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 कवर दिस एंड द न्यू ओनर इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 इज बेसिकली अपोजिट ऑफ सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लोज सी एंड डी। अब कंपोज जो बंदा टैक्सेबल है ही इज ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम और द टैक्सेबल सप्लाई इज बिकमिंग एग्जम्प्ट, देन रिमेंबर आवर लॉजिक नो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, करेक्ट, तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी बिकॉज नाउ ही इज शिफ्टिंग फ्रॉम रेगुलर टू कंपोजिशन स्कीम और फ्रॉम टैक्सेबल टू एग्जम, सो ही कैन नॉट अवेल नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन वाट एवर स्टॉक लेफ्ट आउट और कैपिटल गुड्स, क्योंकि जो भी स्टॉक उसके लेफ्ट आउट हो गया 1 अगस्त से वो अब कंपोजिशन स्कीम को कंपोजिशन स्कीम ओनली यू कैन ऑप्ट इन बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सो इज ऑप्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2020 को जो भी स्टॉक या कैपिटल गुड्स रह गया उसको फिर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके ऊपर उसने लिया है वो उसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि नो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। फिर सेक्शन 18 सब सेक्शन 5 जस्ट टॉक अबाउट कि जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा मेनली इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, करेक्ट, कि आप कितने परसेंटेज के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पूरा अवेलेबल होगा या कुछ परसेंटेज से आपको कम करना है या कोई मंथली कम करना है। सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 बेसिकली यू हैव अवेल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट लेट्स से ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड आफ्टर 1 ईयर यू सोल्ड डेट प्लांट्स एंड मशीनरी, आपने नई मशीनरी बाई कर ली, तो सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 बोलता है बेसिकली देन यू नीड टू पे टैक्सेज, फर्स्ट यू डिटरमाइन द वैल्यू जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 उसके हिसाब से जो टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा वो, या फिर जो ITC रिवर्सल है फॉर विच यू नीड टू टेक
5% फॉर एवरी क्वार्टर, सो विच एवर इज हायर वो आपको पे करना है, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। रिमेंबर रूल 40 सब रूल 2 भी कवर करता है, सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 एंड 44 रूल में भी सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 का रेफरेंस है, बट अकॉर्डिंग टू आईसीआई एंड अकॉर्डिंग टू माई इंटरप्रिटेशन ऑल्सो द रेलिवेंट रूल इज रूल 40 सब रूल 2। तो एग्जाम के अंदर आपको 5% पर क्वार्टर लेना है, मंथली नहीं लेना है। इसके अलावा सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 प्रोवाइड डेट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ ब्रिक्स मोल्ड एंड डाइज जिग्स एंड फिक्चर एज ए स्क्रैप ट्रांजेक्शन वैल्यू इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल, यानी ITC का आपको कैलकुलेशन नहीं करना है अगर वो मोल्ड एंड डाइज जिग्स एंड फिक्चर्स एक्सेट्रा है तो। रूल 40 मैनर ऑफ क्लेमिंग ITC इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कैपिटल गुड्स, तो सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लोज सी एंड डी मेक यू एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स, लेकिन उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, सो इट्स बेसिकली 5% पर क्वार्टर। रिमेंबर इन GST इन एंटायर GST अदर देन सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 एंड सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 जहां आप कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो, वहां जो कैपिटल गुड्स का जो कैलकुलेशन होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो मंथली होगा, बाकी सब जगह 5% पर क्वार्टर है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 एंड सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 उस मामले में आपको मंथली करना है, अदरवाइज एवरीवेयर एज इट इज 5% पर क्वार्टर, और मंथ तो कैपिटल गुड्स का कितना 60 मंथ। ओके, तो बंदे को पहले 5% प्रेस्क्राइब किया गवर्नमेंट ने रूल 40 के अंदर कैपिटल गुड्स के लिए, उसके अलावा उसको फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी, बेसिकली स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल, बेसिकली गिविंग डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर ये जो क्लेम वो कर रहा है आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑन क्लोजिंग स्टॉक और कैपिटल गुड्स, इफ इट इज मोर देन एक्सीडिंग 2 lakh rupees ऑन अकाउंट ऑफ ऑल द टैक्सेस बेसिकली CGST, SGST, UTGST एंड IGST, देन ही आल्सो नीड टू फर्निश सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और ए कॉस्ट अकाउंटेंट। और सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 के लिए मैंने आपको बोल ही दिया 5% पर क्वार्टर। रूल 41 विच इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन सेल मर्जर अमालगमेशन लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, वेरी सिंपल, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन सेल मर्जर अमालगमेशन लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के अंदर उसको फॉर्म सबमिट करना है, इसके अलावा उसको CA का सर्टिफिकेट भी देना है। ओके, और जब हम लोग डी मर्जर करते हैं तो एक तो मर्जर होता है एक डी मर्जर होता है, तो मर्जर के अंदर तो बहुत सिंपल है, मर्जर के अंदर क्या होता है, A लिमिटेड B लिमिटेड बिकमिंग AB लिमिटेड, करेक्ट। तो जो भी अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा इन दोनों ए लिमिटेड का बी लिमिटेड का AB लिमिटेड को मिल जाएगा, लेकिन डी मर्जर के मामले में क्या होगा, डी मर्जर के मामले में बेसिकली AB लिमिटेड इज गोइंग टू बिकम लेट्स से A लिमिटेड एंड B लिमिटेड। तो अब क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 100 rupees अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्योंकि इसमें तो दोनों क्या अपना अपना दे दिया, इसमें तो कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस मामले में कैसे होगा। सो रूल 41 से ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, तो वैल्यू ऑफ एसेट का जो भी मतलब जो ए लिमिटेड या बी लिमिटेड बन रहा है इनकी क्या वैल्यू ऑफ एसेट ए बी लिमिटेड ने ट्रांसफर की है, बेसिकली जो भी डीमर्ज एंटिटी उनकी क्या वैल्यू ऑफ एसेट है, चाहे उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है या नहीं लिया है, उस वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो के बेसिस पे ये जो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को ट्रांसफर होगा। रूल 41A ठीक इसी तरह से डी मर्ज एंटिटी के मामले में जैसे हमने कैलकुलेशन किया, उसी तरह अगर किसी रजिस्टर पर्सन ने मान लीजिए उसने स्टेट में पहले एक रजिस्ट्रेशन लिया, बाद में उसके पास ऑप्शन है अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है देन ही कैन ऑप्ट फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, तो उस मामले में मान लीजिए पहले वो एक रजिस्ट्रेशन था, बाद में वो डिसाइड करता कि नहीं मैं तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के लिए जाऊँगा या सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए जाऊँगा, देन हाउ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सो अगेन वैल्यू ऑफ एसेट। ओके, सेम फंडा लाइक डी मर्ज एंटिटी। रूल 44 मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, तो मैंने आपको क्या बोला, सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 के मामले में एंड सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 विच इज रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन
उस मामले में अपन को प्रोपोर्शनेट कैपिटल गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, बेसिकली डिवाइडेड बाय 60 जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अदर एवरीवेयर एज इट इज 5% पर क्वार्टर। अब क्योंकि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली यू आर गोइंग टू रिवर्स, तो अगर मान लीजिए एक इनवॉइस है 1000 kg का और उसमें से 100 kg बच गया, तो आपको प्रोपोर्शनेटली वो रिवर्स ITC उसका कैलकुलेट करना है जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास इनवॉइस ही नहीं है, आप गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेसिफिकली बोल रहा कि भाई तब आप प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे आप उसका ITC का कैलकुलेशन करोगे अकॉर्डिंग टू रूल 44। और इसके अलावा इधर भी आपको फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी, यू नीड टू फर्निश ITC 03 फॉर्म। ओके, तो ये सेक्शन 18 और रूल्स हो गए अपने 40, 41, 41A एंड 44। अब सेक्शन 19 विच इज रिलेटेड टू ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर। रिमेंबर व्हेन प्रिंसिपल इज सेंडिंग गुड्स टू जॉब वर्कर इट इज नॉट सप्लाई, प्रिंसिपल कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स, बट देयर इज अ कंडीशन दैट सच इनपुट्स मस्ट बी रिसीव्ड बैक बाय द प्रिंसिपल विद इन 1 ईयर एंड इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स द टाइम फ्रेम इज 3 ईयर्स। तो प्रिंसिपल ने इनपुट्स भेजा, वो वापस आ जाना चाहिए मे बी इन फिनिश गुड्स ओके और WIP विद इन 1 ईयर एंड इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स द टाइम फ्रेम इज 3 ईयर्स। दिस कैन बी एक्सटेंडेड बाई द कमिश्नर बाई वन ईयर और टू ईयर रेस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो डेट है वो हम कैसे काउंट करेंगे, 1 ईयर या 3 ईयर। तो अगर सप्लायर ने, मतलब जो रजिस्टर पर्सन है, उसने डायरेक्टली भेजा है जॉब वर्कर को, तो जब भी वो डिस्पैच करता है उस दिन से 1 साल 3 साल काउंट करेंगे। अगर मान लीजिए बिल टू शिफ्ट टू मॉडल, वो किसी सप्लायर को बोलता है भैया वो डायरेक्टली मेरे जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस में भिजवा देना, तो जब भी जब जॉब वर्कर को वो मिलेगा जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस में, उस दिन से हम लोग, उस डेट से बेसिकली हम लोग 1 ईयर या 3 ईयर कैलकुलेट करेंगे। तो ये सेक्शन 19 है, और अगर नहीं मिलता है तो उसको सप्लाई कंसिडर की जाएगी, जो आप हम लोग डिटेल में चैप्टर 16 के अंदर समझेंगे। सेक्शन 20 विच इज रिलेटेड टू मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय ISD। ISD क्या होता है? हेड ऑफिस जितनी भी ब्रांचेज है सबके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस ले लेता है। तो वो क्या करता है, क्योंकि उसको अच्छा प्राइस मिलता है, इसलिए हेड ऑफिस इज बाइंग सेंट्रली, एंड बिकॉज नाउ दो लाइसेंसेज आर यूज बाई ब्रांचेज, सो ही नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द रेस्पेक्टिव क्रेडिट। तो उसके लिए GST में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का एक कंसेप्ट है विच इज बोरोड फ्रॉम सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स में भी ये था, तो इट इज ओनली रिलेटेड टू सर्विसेज, इट इज नॉट रिलेटेड टू गुड्स। देन सच कंपनी कैन टेक रजिस्ट्रेशन एज ए ISD एंड कैन डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा सर? पहली बात, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 सबसेक्शन 2, द क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग सच डिटेल एज में प्रेस्क्राइब, लाइक इनवॉइस, जो हम लोग अगले, मतलब जो टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में देखने वाले हैं कि उसको क्या डॉक्यूमेंट इश्यू करना है, उसके बेसिस पे सच ISD इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट। दूसरा प्रोविजन जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि जितना भी उसके पास अवेलेबल उससे ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो 100 अवेलेबल है तो ही कैन ओनली डिस्ट्रीब्यूट 100। और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते समय क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो डायरेक्टली, मान लीजिए उसने किसी ब्रांच के बिहाफ पे कुछ सर्विसेज अवेल किया, तो वो एक ही ब्रांच से रिलेटेड है, सो ही इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट टू दैट ब्रांच ओनली। अगर उसने कुछ सर्विसेज लिए विच इज रिलेटेड टू आउट ऑफ 10 ब्रांचेज ओनली रिलेटेड टू 2, देन ही इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट ओनली टू दोज 2। ओके, अगर वो सर्विसेज सबके लिए तो सबको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ब्लॉक क्रेडिट भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो ही डजंट नीड टू सी, बेसिकली द ISD डजंट नीड टू सी वेदर इट इज ब्लॉक और नॉट। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वेरी सिंपल, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको अपन R1 बोलेंगे, उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे कि उसको कितना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो C1, तो T1 जो R1 का टर्नओवर है, ओके, इनटू T टोटल टर्नओवर है। अब ये जो टोटल टर्नओवर है वो आपको उन्हीं बंदों का लेना है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो अगर मान लीजिए R1 से लेके R10 तक है,
R2, R3, R4, R5, R6, 10, आपको डिस्ट्रीब्यूट केवल दो जनों को करना है, तो आप R1 प्लस R2 लोगे। ओके क्लियर। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, IGST IGST के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर जिसको ISD डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अगर वो सेम स्टेट में है, वो CGST SGST का क्रेडिट है, तो वो CGST SGST के रूप में करेगा। अगर दूसरे स्टेट में, तो CGST SGST को कन्वर्ट करके IGST के रूप में करेगा, क्योंकि नहीं तो सामने वाले को मिलेगा ही नहीं इनपुट टैक्स रेट। ओके सो दिस इज बेसिकली ISD। इन केस इफ वी डिस्ट्रीब्यूट मोर देन सच क्रेडिट इज गोइंग टू बी रिकवर विथ इंटरेस्ट एंड ऑब्वियसली प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 इज ऑल्सो गोइंग टू अप्लाई। तो उसको पे करना पड़ेगा along with interest and maybe penalty also according to section 21। अब इसके अलावा जो सर्कुलर है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सेक्शन तो कवर हो गए। ISD अगर एक्सेस ISD डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रेडिट, देन इट इज गोइंग टू बी रिकवर विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फ्रॉम द रेसिपिएंट, एंड ISD इज ऑल्सो गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू जनरल पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 क्लोज 9। ITC ऑन मोल्ड एंड डाइज प्रोवाइडेड बाई द OEM टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चर ऑन फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस। सो इफ यू रिकलेक्ट इन चैप्टर 2 वी डिस्कस दैट इट इज नॉट सप्लाई नॉट सब्जेक्ट टू GST। चैप्टर 7 के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि अगर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली ऑब्लिगेशन ऑफ OEM टू प्रोवाइड मोल्ड एंड डाइज टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चर फ्री, ओके देन OEM कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, इट इज नॉट ब्लॉक्ड। बट इफ सपोज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर एंड OEM इज प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, देन ITC कैन नॉट बी अवेल्ड बाई OEM। तो कॉन्ट्रेक्चुअल अगर लाइबिलिटी है OEM की कंपोनेंट मैन्युफैक्चर को देने की मोल्ड एंड डाइज, देन ही कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड मेडिसन ड्रग्स, सो देर आर टू मेथड, वन इज फ्रेश सप्लाई, सो लेट्स से मैन्युफैक्चर इज देयर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इज देयर, सो डिस्ट्रीब्यूटर कैन इश्यू फ्रेश टैक्स इनवॉइस एंड कैन रिटर्न द गुड्स टू मैन्युफैक्चर सच एक्सपायर्ड गुड्स। तो मान लीजिए 100 रुपीज़ टैक्स था, उसके ऊपर 12 रुपीज़ उसने चार्ज किया, ओके न्यू सप्लाई कंसिडर करके 112, मैन्युफैक्चर ने 12 रुपीज़ का ITC ले लिया। तो जब भी वो ये ड्रग्स जो एक्सपायर्ड ड्रग्स है वो डिस्ट्रॉय करेगा, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज H, जो भी उसने फ्रेश सप्लाई का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया ये 12 रुपीज़, यू उसको रिवर्स करना बिकॉज इट इज ब्लॉक्ड। दूसरा ऑप्शन ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न कर दे एंड मैन्युफैक्चर इज गोइंग टू इश्यू क्रेडिट नोट 100 प्लस 12। देन इन दिस सिनेरियो व्हेन मैन्युफैक्चर इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, व्हेन ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय ही नीड टू रिवर्स जो भी उसने रॉ मटेरियल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। ओके सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। और क्रेडिट नोट इश्यू करते समय आपको टाइम फ्रेम भी याद रखना, सेप्टेम्बर और एनुअल रिटर्न वाला अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34। ओके इसके अलावा कुछ सर्कुलर जो हमने देखे थे चैप्टर 7 के अंदर, फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट, रिमेंबर ITC इज ब्लॉक्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज H, लेकिन अगर सप्लाई ट्रीट हुई है मीन शेड्यूल 1 रिमेंबर नो कंसिडरेशन, बट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 इट इज सप्लाई, देन सप्लाई इज गोइंग टू पे टैक्स, देन ITC इज अवेलेबल। बाय वन गेट वन फ्री जो हमने चैप्टर 7 के अंदर डिस्कस किया था कि बेसिकली ये दो आइटम का एक वैल्यू है, सो इट इज नॉट फ्री, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज H एंड ITC इज गोइंग टू बी अवेलेबल। डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफर्स, सो ITC जो रेसिपिएंट ने पहले लिया अगर सप्लायर क्रेडिट नोट दे रहा है एंड सप्लायर रिड्यूसिंग द GST लाइबिलिटी, देन रेसिपिएंट नीड टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट जितनी भी लाइबिलिटी उसकी कम हो रही है। ओके सेकेंडरी डिस्काउंट, क्योंकि ये आप वैल्यू से कम नहीं कर सकते, GST लाइबिलिटी इज नॉट इम्पैक्टेड, दैट्स वाई ITC इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। ओके सो दिस एंड रिविजन ऑफ चैप्टर 8,
थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।